खुद ब खुद बहुत जागरूक है, रामगढ़ की जनता काफ़ी जागरूक है। चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने समय में काफ़ी काम किए होंगे, लोग उनको तीन तीन बार वहाँ जितवाए। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। एक संघर्षशील महिला ममता देवी, सिर्फ एक आंदोलन के चलते उनको लोगों ने जो विधायक बनाया। तीन वर्षों में उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ, लोग वहाँ के लोग उनसे भी त्रस्त रहे। और जब उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका सदस्यता गया, तो कांग्रेस पार्टी के पास, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, भाई विद्याधर प्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है, सबसे योग्य उम्मीदवार ममता जी के पति बजरंग महतो हैं। तो ये तो राष्ट्रीय पार्टियों का चेहरा है, परिवारवाद होना ये राष्ट्रीय पार्टियों का चेहरा है, उनके पास कार्यकर्ताओं का कोई इज्जत नहीं है। इसलिए रामगढ़ की जनता बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, वहाँ के लोग जागरूक हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत सचेत हैं। वो लोग तय कर लिए हैं कि इस बार एक संघर्षशील यूथ जो करीब करीब 10 वर्षों से वहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए, वहाँ के क्षेत्र के समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहा है, उनको लेकर बहुत जागरूक हैं लोग। इसलिए रामगढ़ में इस बार झारखंड पार्टी जीतेगी। और जैसा कि तमाम दल हैं, धर्मनिरपेक्ष दल, बहुजन समाज पार्टी हैं, और भी जितने तरह के, अभी भागीदारी पार्टी के लोगों ने हमारा समर्थन किया है, अभी हम लोग विकासशील इंसान पार्टी से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे दल हैं वहाँ जो कि कार्यरत हैं उस क्षेत्र में, जो कि लगातार जनता के समस्याओं से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग हमारा समर्थन करेंगे। पास नहीं है, इसका साफ साफ मतलब है कि परिवारवाद हावी है। और अगर जो माननीय विधायिका थी ममता देवी, उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में अगर सजा हो गई ममता देवी को, तो उनके पति योग्य हो गए चुनाव लड़ने के लिए? ये सरासर परिवारवाद है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे माहौल में एक योग्य शिक्षित उम्मीदवार संतोष कुमार महतो का समर्थन करना लाजमी बन जाता है। रही बात आगे आने वाले भविष्य के बारे में, तो विभिन्न पहलुओं पर हम लोगों की चर्चा जारी है, और जब भी यह बात आएगी तो हम लोग अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी को इस संदर्भ में सूचित करेंगे, उनको जो स्थितियां हैं उनके बारे में बताएंगे, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और हम लोग शीर्ष स्तर पर भी वार्ता होगी, और 2024 का रोड मैप कुछ तैयार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको हम लोग सूचित करने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे का क्या बोलेंगे उसको, दोनों का ही रूप है। यहाँ के दलित, यहाँ के गरीब, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके हित में वो कभी विचार नहीं करती है। तो निश्चित तौर पर झारखंड के तमाम सामाजिक दल, तमाम राजनीतिक दल मिलकर हम लोग बात कर रहे हैं, हर लोगों से बात करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों दलों को छोड़कर एक तीसरा दल बनाया जाए, एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, और उस मोर्चे के माध्यम से झारखंड के जल, जंगल, जमीन और यहाँ के युवाओं के रोजगार और सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ सकें। यही झारखंड पार्टी की सोच है, और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया है। झारखंड में कार्यरत जितने भी संघर्षशील संगठन हैं, उन सारे संगठनों को एकजुट करना, और इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से दूरी बनाकर हम लोग अपने दल को, यहाँ के झारखंडीय सोचने वाले दल को एकजुट करना चाहते हैं, और इसका प्रयास हम लोग जारी रखे हुए हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है ना तीसरा मोर्चा? निश्चित तौर पर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।